फाइनली फ्रेंड्स, इतने इंतजार के बाद, इतने रिक्वेस्ट के बाद, इतने डिमांड के बाद कांतारा मूवी हिंदी में रिलीज हो ही गई। और इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसी लगे मुझे कांतारा मूवी। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे, मेरे वीडियो को फॉलो करते होंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कि मोस्टली मैं मूवीज का रिव्यू वगैरह नहीं करती हूँ। जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं मूवीज वगैरह कभी रिव्यू करूंगी, पर एक दो मूवीज़ मैंने इसी चक्कर में देख लिया जो कि मुझे उतना देखने का मन नहीं था, बट सिर्फ रिव्यू देने के लिए मैंने देख लिया। सोचा चलो देखते हैं, तभी तो रिव्यू कर पाएंगे, पर मुझे वैसा अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को फोर्स करके कोई भी मूवी नहीं देखने वाली हूँ। मैं वही मूवीज़ देखती हूँ जो मुझे दिल से लगता है कि हाँ, ये मूवी देखना चाहिए, ये मूवी मास्टरपीस है, ये मूवी देखने के लायक है, और इसमें जाके मैं अपना टाइम, एनर्जी सब कुछ लगा सकती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, कांतारा मूवी उन्हीं मूवीज़ में से एक है। मैंने ट्रिपल आर, KGF चैप्टर 2, विक्रम जैसी ये सारी मूवीज़ देखी। मैंने कुछ कुछ हिंदी मूवीज़ भी देखी है जो अच्छी होती है, जिसका ट्रेलर मुझे रियली में इम्प्रेसिव लगता है। तो कांतारा मूवी एक मूवी नहीं है, मास्टरपीस तो है ही, साथ में ये फीलिंग्स है, ये इमोशन है। अगर आप ये मूवी अभी तक नहीं देखे हो तो गाइस प्लीज जाके देखिए। ये मूवी ऐसी नहीं है कि आप इसको मिस कर दो। पॉसिबल हो, अगर पॉसिबल हो तो इसे जाके सिनेमा हॉल में ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस कराएगा ये मूवी। मतलब एक ग्रैंड लेवल की सिनेमाटोग्राफी है इस मूवी की। BGM तो मैं क्या बताऊँ, आपने तो ट्रेलर में ये सबको फील किया ही होगा। और ऋषभ शेट्टी जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं और एक्टर भी हैं, उनका परफॉर्मेंस तो क्या मैं बोलूँ, फर्स्ट क्लास है। मेरे पास तो वर्ड्स नहीं आ रहे हैं कि मैं इनकी तारीफ कैसे करूँ। जितना टाइम से इनका फीडबैक आ रहा था, इतना रिक्वेस्ट के बाद ये मूवी रिलीज हुआ, तो ये मूवी डिजर्व करते, इसको तो स्टार्टिंग से ही पैन इंडिया लेवल करके इस मूवी को रिलीज किया जाना चाहिए था। और अगर आप मूवी का बजट सुनोगे तो मूवी का बजट सिर्फ 15-20 करोड़ ही है। इतने कम बजट में इतनी आउटस्टैंडिंग मूवी, इतना बड़ा मास्टरपीस मूवी बनाना इम्पॉसिबल ही। से लेजेंड्स लोग ही ऐसी मूवी बना सकते हैं, जैसे कि ऋषभ शेट्टी ले लीजिए, ये हम्बल्स फिल्म्स के प्रोडक्शन के अंडर ये मूवी बनाई गई है, जिन्होंने KGF चैप्टर 2 जैसी फ्रेंचाइजी को प्रोड्यूस किया है। तो गाइज आप समझ ही सकते हैं, ये मूवी फर्स्ट क्लास है। इसका क्लाइमेक्स देखोगे तो आपको गूस बम्प आ जाएगा, मतलब हर एक सीन में आपको गूस बम्प आएगा ही, इस लेवल की ये मूवी है। तो ये गाइज फ्रेंड्स, मैं अगर सच में आपको अपनी राय दूं तो ये मूवी सिर्फ बोलने और सुनने का नहीं, ये मूवी देखने का है कि आप जाके देखो, एक्सपीरियंस करो। ऐसी मूवी रोज रोज तो नहीं बनती है, मुझे पूरी तरह से यकीन है इस बात का। तो गाइज प्लीज, मेरे तरफ से तो ये मूवी आप ज़रूर जाके देखिए। मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप जाके देखिए, आपको बिल्कुल भी ये मूवी से 1% का भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं फील होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, क्योंकि इस मूवी का रिव्यू मैं क्या करूँ, ये मूवी नेक्स्ट लेवल की ही मूवी है, इसको बस देख के एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। फिलहाल के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।